So, hello to all my viewers. I am Akash Roy and I am welcoming you to my channel Akash Time Education. तो dear students, आप सब लोग के लिए एक बहुत बड़ा news है कि जो सारे लोग अभी CBSE, ICSE और state boards का exam अभी खत्म कर चुके हो, जिस लोगों का result जो है out हो चुका है, और लोग जब जो सारे लोग अपने अपने dream institution में भर्ती होना चाहते हो, तो उनमें से एक बड़ा संख्या जो students है उनके मन में एक बड़ा ड्रीम रहते हैं कि विद्या मंदिर, रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर मीन्स बेलूर मठ हावड़ा में जो इंस्टीट्यूशन है उसमें भर्ती हो, बेलूर मठ में जो रामकृष्ण मिशन है, बहुत बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज रैंकिंग में जो है यूजीसी की रैंकिंग में ऑल इंडिया में तो टॉप 10 में ये कॉलेज तो बार बार ही रैंक करती है। तो मींस आप समझ पा रहे हो कितना प्रेस्टीजियस, कितना इंपॉर्टेंट एंड वाइटल जो है कॉलेज है आप सब लोगों के लिए। तो कैसे एडमिशन मिलेगा, नया प्रोसेस है इस साल, पिछले साल और पिछले साल का प्रोसेस आप देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, इस साल का नया प्रोसेस है, क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, पाई टू पाई डिटेल्स चलिए डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं शुरुआत करता हूँ तो देख सकते हैं कि रामकृष्ण विद्या मंदिर, तो देख सकते हैं रेजिडेंशियल ऑटोनोमस कॉलेज मीन्स अपनी काम अपनी कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन जो है अपनी सेट करते हैं, अपना जो जो है मार्क्स और जो एग्जाम जो है पर्ची रहती है वो अपने आप ही जो है इन लोगों ने सॉल्व करते हैं। तो और ये एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अंदर ही ये कॉलेज पढ़ती है। तो उसके बाद मैं आता हूँ, तो एडमिशन ऑफ बीएससी फॉर 2020 एडमिशन 2020 के लिए, और फॉर द बॉयज ये जो है सिर्फ ओनली मेल स्टूडेंट्स के लिए है। तो जनरल इन्फो से आप देख सकते हैं, पहला जो पॉइंट मैं यहाँ पे तो जो है 14 पेजेस का एक बड़ा परफॉर्म है, बट मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नोट करवा दूंगा। ओके, तो देख सकते हैं कि 18th ऑफ जुलाई यहाँ पे फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हुआ है, और डेट जो चलेगा वो 20th ऑफ अगस्त तक इसका जो है फॉर्म फिलअप का डेट जो है चलेगा। तो बहुत दिन है आपके पास, सोच समझ के फॉर्म फिलअप कीजिए। तो उसके बाद देखते हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं www.vidyamandir.ac.in, यहाँ पे इस वेबसाइट से, मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको जाकर क्या करना पड़ेगा वो चीज मैं लेटर ऑन दिस वीडियो डिस्कस करूंगा, ओके, इस वेबसाइट में जाके। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट कितना लगेगा, 350 रुपीज फॉर द एससी एसटी पी जो है फिजिकल हैंडिकैप उनके लिए, देख सकते हैं 400 रुपया ओबीसी ओबीसी बी के लिए, और 450 रुपया लगेगा किसके लिए, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके बाद देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे जो है वाइटल जो पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर विल बी नो रिटेन टेस्ट और वाइवा फॉर दिस ईयर। तो इस साल के लिए, पिछले साल जो होता था कि आप लोगों को वहाँ पे जाके एक रिटेन टेस्ट देना पड़ता था, उसके बाद आप सिलेक्टेड हुए तो आप लोगों को वो लोग बुला के एक वाइवा जो है फेस टू फेस लेते थे, बट इस बार वो चीज नहीं होगा, इस बार आपको डायरेक्टली जो है एडमिशन मिलेगा कुछ प्रोसेस के थ्रू, कि आपका नंबर जो है कुछ तरीके से वो लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी एक एग्जांपल मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, बट वो तरीके से ही आपको ऑनलाइन जो होगा ऑनलाइन में होगा, आपको वहां पे जाना पड़ा नहीं पड़ेगा, एग्जाम नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट आपके जो नंबर आपने पाए हैं उसके ऊपर ही कैलकुलेट करके जो है फॉर्म फिलअप वो लोग करवाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो वाइवा होगा इस साल वो गूगल मीट में होगा, तो गूगल मीट आप सब लोग डाउनलोड करके रखें, गूगल मीट एक ऐप है, वहां पर मीटिंग अरेंज करा होता है, उसके बाद वहां से ही जो है आपका जो है एडमिशन होगा। तो आप देख सकते हैं आपका कोई प्रॉब्लम रहा, और डॉक्यूमेंट जो है, जो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पे, उसको भी ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन विद्या मंदिर @gmail.com इस जो है जीमेल से आपको जो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आप सिलेक्टेड हुए तो इसमें आपको जो है डालना पड़ेगा, इससे आपको उनको भेजना पड़ेगा। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव सबमिटेड द रिक्वायर्ड एडमिशन फीस, आपका एडमिशन जो फीस है जो सिलेक्टेड हो जाएगा ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन मोड, सब कुछ चीज इस बार पैंडेमिक के चलते जो है ऑनलाइन में होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाते हुए देख सकते हैं कि ओनली द रेगुलर कैंडिडेट्स जो हायर सेकेंडरी एंड जो 12th का एग्जाम 10+2 एग्जाम दिए है 2020 और 2019 में, वो लोग इस फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और नहीं कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उस चीज को गौर करवा देता हूँ आपको। तो देख सकते हैं कैंडिडेट्स, आप जो भी प्रॉब्लम है आपको एडमिशन विद्यामंदिर @gmail.com यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, जो भी क्वेरी है वो आक्स कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं कि आप 20th अगस्त को जो है फॉर्म फिलअप करेंगे, और 1st तारीख ऑफ सेप्टेम्बर को आपका जो है
निकलेगा जो कॉलेज का जो विश लिस्ट मींस कॉलेज का जो आप सिलेक्टेड हुए कि नहीं हुए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट जो है मेरिट लिस्ट वो निकलेगा सितंबर 1 को जो है 5 बजे तक 5 PM को। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे सब चीज़ें ऑनलाइन है। तो एग्रीगेट मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड, तो कैसे कैलकुलेट होगा, आप सब लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आप लोगों को देखना पड़ेगा आपका आपका फाइल है टू लैंग्वेज जो है, आप लोगों का बंगाली इंग्लिश रह सकता है, किसी लोगों का इंग्लिश हिंदी रहता है, तो पहला टू लैंग्वेज प्लस टॉप 3 सब्जेक्ट जो भी है, जो टॉप 3 है वो टॉप 3 आपका लगेगा। उसके बाद हम आते हैं जो स्पेशल नॉर्म्स फॉर सर्टेन कैटेगरीज, तो सर्टेन कैटेगरी मीन आप लोग SC ST में पढ़ते हो, OBC में पढ़ते हो, तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो आप देख सकते हो सब डिविजनल ऑफिसर SDO DM और जो BDO उनसे आपको जो है सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा आप लोगों का रिजर्वेशन के लिए। ओके और यहाँ पे हम चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख सकते मिनिमम कितना मार्क लगेगा अगर आप जो है एलिजिबल टू गेट एप्लीकेशन फॉर्म्स एप्लीकेशन फॉर्म लेना चाहते हैं, तो बंगाली ऑनर्स के लिए 50%, इंग्लिश के लिए 60%, संस्कृत के लिए 50, हिस्ट्री के लिए 50, फिलोसफी के लिए 50, पॉलिटिकल साइंस के लिए 50, इकोनॉमिक्स के लिए 60, फिजिक्स के लिए 70, केमिस्ट्री 70, मैथ्स 75, जूलॉजी के लिए 60, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 60 एंड कंप्यूटर साइंस के लिए 60। तो ये सब क्राइटेरिया आप एक बार खुद भी देख लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको सिर्फ कहते जा रहा हूं और जो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां पे जाके आप देख चेक कर लीजिए, तो सब चीज आप लोग पाई टू पाई समझ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आप सब लोग के लिए, मैं छाट देता हूं आप लोग के लिए। तो डिटेल्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीड्योर, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन कैसे होगा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो देख सकते हैं केमिस्ट्री ऑनर्स का एग्जांपल ले लेता हूं, तो यहां पे मेरिट बेस्ड कैसे आप होगा, तो देख सकते हैं यहां पे आपका हायर सेकेंडरी मींस 12th का जो रिजल्ट है उसमें साइंस का नंबर जो है वो साइंस के नंबर को 50 में वो लेंगे, मींस आपका 3 सब्जेक्ट रहती है 300, उनमें से 50 में कितना स्कोर किए एलजेब्रा के थ्रू वो लेंगे। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स में आप 100 है, 100 में से आप 25 लेंगे, उसमें से आप कितने स्कोर किए 25% उनमें से लेंगे, और लेंगे टोटल जो स्कोर है उनमें से 25%, ये सब मिला के जो है 100 स्कोर करके उनमें आपका जो परफॉर्मेंस कैसा है वो देखेंगे, उसके ऊपर जो मेरिट लिस्ट आएगा। और जो इनकेस आपका टाई हो गया तो क्लास 10th का रिजल्ट को मद्देनजर रखते वो टाई जो है तोड़ा जाएगा। ओके ये मैं एक एग्जाम्पल जो है केमिस्ट्री का लिया, आप ऐसे बंगाली में देख सकते हैं संस्कृत जो भी सब्जेक्ट ले फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी ले सब लोगों के लिए ऐसी प्रोसेस है, जो जो आप सब्जेक्ट जो लेना चाहते हैं उसका प्रोसेस नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप जो जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके ऊपर क्या क्या क्राइटेरिया वो एक बार देख लीजिए, मुझे लगता है वो क्राइटेरिया आपके लिए देखना बहुत ही बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रहेगा। उसके बाद आगे और भी आगे हम चलते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं। अब सीट्स देख लेते हैं, बंगाली के लिए 13 अप्रॉक्सीमेटली, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के 28 सीट्स अप्रॉक्सीमेटली, कंप्यूटर साइंस के लिए 14, इकोनॉमिक्स के लिए 13, इंग्लिश के लिए 13, हिस्ट्री के लिए 13, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए 17, मैथमेटिक्स के लिए जैसे हैं देख सकते 16, माइक्रोबायोलॉजी के लिए देख सकते 16, फिलोसफी के लिए है 13, फिजिक्स के लिए सीट्स है 20 अवेलेबल है 20, पॉलिटिकल साइंस के लिए सीट्स हैं ऑलमोस्ट 13 एंड जो संस्कृत है 13, जूलॉजी के लिए अप्रॉक्सीमेटली सीट है 16। तो ऐसी जो सीट्स है बहुत ही कम सीट है, आप देख लीजिए ऐसी सीट्स आपके लिए जो है रहेगा। उसके बाद देखिए शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, आप सिलेक्टेड हो गए उसके बाद जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा उसके लिए जो शेड्यूल है उसका डेट और टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आप जो जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसका डेट और टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हैं। बंगाली का जो है 3rd of 7th September 2020 में सुबह 10:30 से और दोपहर 1 तक होगा। तो ऐसी आप जो सारे सब्जेक्ट लेना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस होगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, संस्कृत, जूलॉजी, जो भी लेना चाहते हो वो सब्जेक्ट के ऊपर आप देख लेना आपका डेट क्या होगा काउंसलिंग का और आपका टाइमिंग कितना होगा, उस टाइम में आपको जो है उसी टाइम के अंदर आपका एप्लीकेशन फीस और जो है एप्लीकेशन डिटेल्स आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन जो। तो यही टोटल नोटिफिकेशन है, यही टोटल जो है आपके लिए प्रोसेस है। अब मैं चला आता हूँ ये जो वेबसाइट है vidyamandir.ac.in, यहाँ पे जाके आपको जो वेब पेज है वो कैसा देखने को मिलेगा, आप कैसे अप्रोच करेंगे वो चीज़ मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक बार वेट कीजिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चले आया हूँ यहाँ पे कि vidyamandir.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके चेक कर ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर करके तो पहला ही जो नोटिस है क्लिक है फॉर BA BSc एडमिशन 2020 नोटिस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक जो है साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप सिंपल जो है क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद ही जो है उसको क्लिक करने के बाद ही जो है मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम है, बट मैं एक चीज़ कहता हूँ उसको क्लिक करने के बाद ही वहाँ पे मैं चीज़ जो जो जो, जो देखा है आपको ये जो लिंक दिखाया BA BSc एडमिशन 2020 नोटिस एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, इस लिंक पे आप जाके जाएंगे होम पेज ऐसा है, मैं होम पेज भी ले आया आपको, बट अभी कुछ नेट का प्रॉब्लम के लिए जो मेरा वेब पेज है वो खुल नहीं रहा, तो वो अलग सी बात है। आप इस लिंक पे जाके डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। ओके 20 अगस्त तक टाइम है, उसके अंदर सोच समझ के एप्लीकेशन करो। और स्टूडेंट्स आप लोगों का एप्लीकेशन में करने में जो प्रॉब्लम हुआ, जो भी छोटे से छोटा प्रॉब्लम ही हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में कहो, जो प्रॉब्लम हुआ एडमिशन रिलेटेड मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं एक एग्जांपल लेके आप करना चाहते हैं तो वो भी मैं खुद का एक एग्जांपल लेके आपको वो करवा दूंगा। ओके तो आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं कि आप चाहते हैं कि मैं एक फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा दूं, तो वो चीज कमेंट बॉक्स में कहना। आप सब लोगों का राय रहा कि मैं एक बार दिखा दूँ ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वो चीज़ आप बार बार मुझको अप्रोच किए तो मैं आपको सब लोगों को दिखा दूंगा कैसे आप फॉर्म को अप्रोच करें, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। ओके तो विद्या मंदिर बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन और इंडिया का टॉप मोस्ट, मैंने आपको कहा ऑल इंडिया में top 10 में UGC की रैंकिंग में आता है, बहुत अच्छा है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जाके एक पढ़ाई जो है टॉप लेवल का पढ़ाई होती है। तो ऐसे कैसे क्या नोटिस है, क्या किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, टोटल प्रोसेस मैंने आप यहाँ पे दिखाया। कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जो है कॉन्टेक्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए अच्छी तरीके से, फॉर्म फिलअप नोटिस पढ़ के सोच समझ के कीजिए, और सामने सामने जो दिन आपके लिए आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आप सब लोगों को शुक्रिया, थैंक यू टू ऑल।